नमस्कार दोस्तों, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तौल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सके चुकाने के लिए मरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 5 अक्टूबर दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आयकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार, आज की तिथि है दसवीं, आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:03 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय कोई भी नहीं, आज का अशुभ समय है सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 पर रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं, आज आपका लकी नंबर है 3 और शुभ रंग है गुलाबी और लाल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पुरानी परियोजनाओं की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। आज कार्य क्षेत्र में अचानक आपको काम की छानबीन हो सकती है, ऐसे में अगर आपने कोई गलती की होगी तो आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इस राशि के कारोबारी आज अपने कारोबार को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी न की होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, आंखों के मरीज प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को और नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मुमकिन हो तो सूरज की तेज रोशनी से भी आपको बचना चाहिए। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। उस रिश्तेदार को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है, जिनकी सगाई हो चुकी है, वे अपने मंगेतर से बहुत ही खुशियां पाएंगे। इस राशि के कारोबारियों को आज कारोबार के सिलसिले में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, यह यात्रा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में इधर उधर की बात करने से बचना चाहिए। आपके हंसने हंसाने का अंदाज आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफी कोशिश करता नजर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। आपका काम दरकिनार हो सकता है, क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। तनख्वाह में बढ़ोतरी आपको उत्साह से भर सकती है। यह वक्त अपनी सभी निराशाओं और परेशानियों को मिटाने का है। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी रह सकती है और उनको तनावपूर्वक रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, आज कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। आज आपको जो अवसर मिले उनके लिए खुद को तैयार रखें। आपकी महत्वाकांक्षाएं आज चरम पर रहेंगी। सफलता के लिए आप पूरी कोशिश भी करेंगे। लोग आज आपसे किसी तरह की सलाह भी ले सकते हैं। इस राशि के जिन लोगों की स्वीट की शॉप है उनकी इनकम में आज इजाफा होने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, कोई बड़ा काम भी पूरा होगा। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, आपका दिन अच्छा बीतेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं, आज आपकी राशि के स्वामी के शुभ प्रभाव से सफलता मिलेगी। शाम के समय परिवार के साथ पूजा पाठ में समय व्यतीत होगा। गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। आज आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको दिन के अंत में व्यापारिक मामलों को लेकर सचेत रहना चाहिए। आपकी प्रायोगिक दृष्टि और व्यापारिक बुद्धि आपके कैरियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। आज महत्वपूर्ण संपर्क बनाने और कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं,
कार्यालयों में सहायक के पद पर कार्यरत लोगों के कैरियर में लाभ का समय मिलेगा। मीडिया के काफी राइटरों को अच्छा अवसर मिल सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ समय से चल रही गलतफहमी का निवारण होगा। उन संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। विवाह से संबंधित प्राप्त हो रहे रिश्तों की वजह से मानसिक तकलीफ होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण से सावधान रहना अति आवश्यक है। कैरियर से संबंधित बदलाव जल्दी नजर आएगा। व्यापार से जुड़े लोगों को एक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। किसी के साथ डील या लेन देन करते समय आपको सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी पाने के लिए की गई कोशिशों का सकारात्मक नतीजा मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, मित्रों के साथ मनाए गए जश्न आपको अत्यधिक आनंद देगा। आपके अतीत से कोई आपके संपर्क में आएगा, जिससे आज का दिन एक यादगार का दिन बन जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ अपनी अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज बढ़िया दिन है। आकस्मिक लाभ होने की संभावना अधिक है। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आय अतिरिक्त आय अर्जित करने में आप सक्षम हो पाएंगे। मित्रों और सहकर्मी आपके प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में असीम विजय प्राप्त होने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपके प्रेमी का फोन आपका दिन बना सकता है। इसके चलते आपका मन खुशी में रह सकता है। लेकिन आज आप अपने काम के प्रति हो सकता है कि आप अपने प्रेमी से बात ना कर पाए। इस पर आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाए और आपसे कुछ समय या कुछ दिन बात ना करे। तो आपको अपने प्यार के प्रति उन्हें समझना चाहिए, ना कि खुद नाराज हो जाना चाहिए। इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं या आपके मन मुटाव हो सकता है। इसलिए आप उन्हें समझें और अपने प्यार के रिश्ते को खुशनुमा बनाए रखें। साथ ही आपको बता दें, शादीशुदा जिंदगी में जीवन साथी आपकी काफी मदद का साबित होगी और दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा। दोनों में किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, समय के चलते सब सही होगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही सही व उत्तम रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। साथ ही आप अपने आप को काफी तंदुरुस्त महसूस करेंगे। या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।